शिवपुरी जिले में किसानों को यूरिया की भारी कमी सहित डीएपी खाद की उपलब्धता नहीं हो रही है। विद्युत मंडल द्वारा किसानों को प्रताड़ना और नहरी क्षेत्र से सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता और सुंडी गांव के विस्थापन की मांग को लेकर कांग्रेस जिला इकाई ने महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है, जहाँ ज्ञापन के माध्यम से आरोप लगाते हुए मांग की गई है कि समूचे प्रदेश के साथ ही श्योपुर जिले में भी प्रदेश के शिवराज सरकार द्वारा किसानों को लगातार प्रताड़ित कर वादा खिलाफी की जा रही है। महामहिम एक तरफ जहाँ शिवराज जी जिलों के गोदाम यूरिया डीएपी से भरे हुए पिछले पखवाड़े से लगातार बता रही हैं, जबकि श्योपुर जिले में 47 सहकारी संस्थाओं पर गोदाम खाली पड़े हुए हैं। किसानों को यूरिया डीएपी रासायनिक खाद की बहुत कमी चल रही है, जहां किसान रात भर कड़कती ठंड में महिलाओं सहित लाइन लगाकर श्योपुर धान मिल और बड़ौदा में कृषि मंडी में खड़ा हुआ है। वहीं किसानों को हफ्ते हफ्ते भर से टोकन के नाम पर लाइन में लगना पड़ रहा है। कई लोग ठंड से बीमार भी हुए, फिर भी प्रताड़ना के तहत उन पर पुलिस लाठी डंडे मार रही है। ऐसी स्थिति होने के बाद भी प्रदेश की भाजपा सरकार के मुखिया लगातार झूठ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है, जबकि श्योपुर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का क्षेत्र होने के बाद भी रेल रेक से शिवपुरी और गढ़ीपार राजस्थान से ट्रकों से खाद के झूठे आश्वासन शासन प्रशासन दे रहा है। क्या मांगे थी और आज प्रदर्शन किया गया, क्या कुछ मांगे आपने? देखिए, श्योपुर एक कृषि प्रधान जिला है और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी भी इसी क्षेत्र के सांसद हैं, लेकिन गंभीरता आप देखिए मध्य प्रदेश शासन की, जहां उनको गंभीर होना चाहिए था श्योपुर क्षेत्र के किसानों के लिए जो रासायनिक खाद उपलब्ध होना चाहिए था डीएपी और यूरिया, वो आज खादाम पूरे गोदाम उनके खाली पड़े हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी कह रहे हैं कि श्योपुर में पूरा खाद उपलब्ध है, पिछले 20 दिन से कह रहे हैं, लेकिन आप खाद में अंदर देख रहे होंगे श्योपुर क्षेत्र का हर किसान की महिला बच्चे पुरुष सब लाइनों में लगातार रात में 8-8 दिन तक लगे रह रहे हैं। उसके बाद भी 2-2, 4-4 घंटे उनको खाद उपलब्ध हो रहा है, जिनको 50-50 घंटे का खाद चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि खाद की कालाबाजारी हो रही है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। बीजेपी के नेता मदमस्त हो रहे हैं, लेकिन जिनको खाद शासन की तरफ से मिलना चाहिए, सहकारी संस्थाएं 47 खाली पड़ी हैं पूरे श्योपुर जिले की, और किसानों को धक्के पाती आ रहे हैं, पुलिस के डंडे पाती आ रहे हैं और प्रताड़ना पाती आ रही है। ये मुख्यमंत्री जी का और कृषि मंत्री जी के क्षेत्र में हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो मोदी जी का इवेंट करा रहे थे यहाँ पे श्योपुर में, उज्जैन में करा रहे थे और मध्य प्रदेश में अमित शाह जी का करा रहे थे शिवराज सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, तो उनको देखना चाहिए था कि खाद की व्यवस्था की पहले जरूरत है। उन्होंने उस टाइम इवेंट कराते रहे, लेकिन खाद के गोदाम पूरे मध्य प्रदेश के खाली पड़े रहे, ये साफ दिखाई दे गया। जब आज श्योपुर के अंदर सरसों का इतना बड़ा रकबा लगा हुआ है इस बार, उसके बाद भी यूरिया की खाद की उपलब्धता जो 5-6 हज़ार टन एक्स्ट्रा होनी चाहिए थी वो कहीं भी नहीं है, और 100-200 टन का खाद शिवपुरी से या गढ़ेपान से आ रहा है। तो ये दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का शासन किसान विरोधी है, शिवराज सिंह जी का शासन किसान विरोधी है, स्पष्ट हो गया। और हम इस बात को मांग करने आए हैं श्योपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके कि तत्काल इसको आपको खाद की उपलब्धता कराई जाए। दूसरी हमारी मांग है कि सुंडी गांव के लोग यहां पर विस्थापन के लिए बैठे हुए हैं, वो भी किसान है, तो यही किसानों के संग उस तरह का शोषण किया जा रहा है। लगातार अनिश्चितकालीन 7 दिन से धरना चल रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। सुंडी गांव क्षेत्र का ऐसा गांव है जहां किसान सबसे ज़्यादा विभीषिका में घिरते हैं बरसात के अंदर, मौत के सामने मंजर देखते हैं, लेकिन उनको आश्वासन कृषि मंत्री जी से भी मिले, मुख्यमंत्री जी से भी मिले, लेकिन उनका चक बमूलिया पर जो विस्थापन होना था वो नहीं किया गया। उनकी मांग को अविलंब पूरा किया जाए, समझे, ये मांग भी रखी है हमने। दूसरी चीज़ हमने रखा है विद्युत मंडल जो लगातार मनमानी कर रहा है, किसानों को प्रताड़ना कर रहा है, डीपी उतार रहा है, उनकी जाके बेइज्जती कर रहा है गांव के अंदर जाकर के, जबकि किसान तो यहां पे लाइनों में लगे हैं और कृषि मंडी की लाइनों में लगे हैं धान बेचने में, 6-6 दिन तक नंबर नहीं आ रहा है, 8-8 दिन तक खाद नहीं मिल रहा है, लेकिन विद्युत मंडल शिवराज सिंह जी का उनको प्रताड़ना करते हुए बेइज्जत करते हुए डीपी उतार रहा है जाकर के। तो हमने मांग करी है कि अभी डीपीआर बंद किया जाए उतारना के लिए डीटीआर, और उनको पहले जब तक वो अपना 25-30 दिन कम से कम अपने सुकून से स्थिति में नहीं आ जाए तब तक उनको ये सब बंद किया जाए। और जो पार्वती एक्वाटेक पे 3900 क्यूसेक की मांग है हमारे राजस्थान बॉर्डर पे, वो पानी उपलब्धता नहीं हो रही है, लगातार भिंड और मुरैना पानी पहुंचाया जा रहा है यहाँ 15